बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा, हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आज स्कूल में जो क्राफ्ट का असाइनमेंट मिलता है वो कौन करता है? क्या आपको लगता है बच्चा करता है? गलत। या तो वो उसकी मां करती है, या उसकी बड़ी बहन करती है, या हर शहर में ढेर सारे ऐसे एजेंसीज खुले हुए हैं, ऐसे आर्टिस्ट बैठे हैं जिनको पता है स्कूल में किस क्लास वालों को क्या जमा करना चाहिए। मजे से हजारों रुपए चार्ज करते हैं, माएं उनसे बनवाती है और ले जाके स्कूल में सबमिट कर देती है। हमारे देश की क्रिएटिविटी। मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं क्यों पता है स्टीव वोजनियाक की बात से सहमत हूं, क्योंकि मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले कुछ पदों के लिए इंटरव्यू हुए, जिसमें प्यून के पद के इंटरव्यू के लिए कई एमए और कई एमकॉम लोगों ने अप्लाई किया। और ये बोलते वक्त मेरे को पीड़ा है, अथाह पीड़ा। जब मैंने उसको मना किया तो वो मुझसे कहता है कि सर, ऊपर भी नौकरी नहीं मिलेगी, नीचे भी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि ट्वेल्थ क्लास में पढ़ने वाले को डीडी बनाना नहीं आता, चेक साइन करना नहीं आता, वो पोस्ट ऑफिस में जाके एक छोटा सा प्रोसेस नहीं कर सकता। कई बार यह संभव है कि उसने बैंक तक में कदम ना रखा हो। यह कैसी एजुकेशन व्यवस्था है जो फेल होने की इजाजत ही नहीं देती, जो प्रयोग करने की इजाजत ही नहीं देती। कुछ दिन पूर्व फ्लाइट में मुझे अमेरिका का एक प्रोफेसर मिला, वो कहता है हमारे यहां बच्चा स्कूल पास होते होते और फर्स्ट सेकंड यूजी तक आते आते वो कई बार अपने बिजनेस शुरू करके फेल हो चुका होता है, और हमारे यहां का बच्चा ग्रेजुएट होते तक भी मां के पल्लू से बंधा हुआ रहता है। वो कहते हैं हमारे यहां का बच्चा कपड़ा धो लेता है, हमारे यहां का बच्चा फील्ड वर्क कर लेता है, हमारे यहां के बच्चे को गार्डनिंग आती है, हमारे यहां का बच्चा मशीन सुधार लेता है, हमारे यहां का बच्चा एडवेंचर कर लेता है। हमारे यहां का बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके घर वाले हर चीज उसको मैनेज करके दे देते हैं। एक तरफ घर मैनेज करके दे देता है, दूसरी तरफ स्कूल प्रयोग नहीं करने देता। क्या गलत कहा स्टीव वोजनियाक ने, क्या गलत कहा। मैं आपको बता रहा हूं, यही चलता रहा ना, भारत पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश बन जाएगा। पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयबल लोगों का देश। और मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले नासकॉम के जो हेड थे, उन्होंने एक बयान दिया था, इंडियन यूथ आर अनएम्प्लॉयबल। हम डिग्रीधारी हैं लेकिन हमें आप रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि हमको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, हमको शॉर्ट हैंड नहीं आता, हमको टाइपिंग नहीं आती, हमको ठीक से इंग्लिश नहीं आती, हमको ठीक से हिंदी नहीं आती। हम ऐसे विचित्र युग में फंस गए जहां पर टीयर टू टीयर थ्री सिटी के बच्चे को अपने इंग्लिश भी नहीं आती ठीक से, और वो हिंदी में भी 77, 68 और 85 नहीं बोल सकता। वो खत्म हो गया, ना इधर का रहा ना इधर का रहा। तो अब क्या करें? देश को क्लर्कों का देश बना दे, अब क्या करें? और जिस पे इतराते हो, सत्या नडेला, इंदिरा नुई, ये इंडिया ने बड़ा किया गया इनको, ये सब की प्रतिभा फॉरेन में जाके जब इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए, बड़ी बड़ी कंपनी में वो सोचने का इकोसिस्टम मिला, तब जाके सत्या नडेला बने और इंदिरा नुई बने। ये तो आप और हम खुश होने के लिए बोलते, भारतीय मूल के होते रहिए खुश, लेकिन वही सत्या नडेला हिंदुस्तान में रहते तो निपट जाते हो। वो इंदिरा नुई हिंदुस्तान में रहती तो आधे समय वो घर में बच्चों को बैलेंस करने में, बाद में सास ससुर को बैलेंस करने में, उसके बाद समाज को बैलेंस करने में, उसके बाद वर्क प्लेस को बैलेंस करने में खत्म हो जाती है। ये इंडिया है। क्या हम ऐसे इंडिया से अगली सदी में जाएंगे? आज इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको जगाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम यही है। एक्सीलेंस गुरुकुल और वीआईपी जैसे प्रोग्राम में लोग आते हैं, अलग अलग केस स्टडी से हम उनको जगाते हैं, उनको सोचने पर मजबूर करते हैं, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है। तो साथियों, आज हमको सोचना होगा कि ऐसे पढ़ाने से क्या ना पढ़ाना अच्छा है, या हम सब मिल के आवाज उठाएं इस देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रयोगशील बनाने के लिए, इस देश में असफलता को सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि जीतने के पहले हारना जरूरी है, नहीं तो हार से इतना भय पैदा हो जाएगा कि जीतने की कोशिश भी नहीं करोगे, यहां तक कि ट्राई नहीं करोगे। इस देश में रिसर्च का एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए स्थिति इतनी विचित्र है। कंप्यूटर में आज जो बुक स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो टेक्नोलॉजी 3 साल पहले ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन पुस्तक बदली नहीं गई। वर्ल्ड की जिन चीजों के बारे में आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बात कर रहा है, वो चीजें आधी से ज्यादा ऑब्सोलीट हो गई है और पुस्तकें बदली नहीं गई है। टीचर को नहीं पता है,
जब टीचर को नहीं पता और पुस्तक नहीं बदली और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर डेमो के लिए जो मशीन थी वो मशीन 20 साल और 50 साल पुरानी है, बीसीए जैसे कोर्स में जो व्यक्ति जिस कंप्यूटर पे चला रहा है वो कंप्यूटर 10 साल पुराना है, ये बनेगा इंडिया? इस तरीके से हम बनेंगे सुपर पावर, या इस तरीके से हम इंडिया से निकल के दुनिया में जहां जहां भी कोई अचीव करेगा उसको भारतीय मूल भारतीय मूल भारतीय मूल बोल के खुश होते रहेंगे? अब भारतीय मूल नहीं, भारत में टैलेंट पैदा करने होंगे। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम रद्दी और कबाड़ है, इससे हजार गुना अच्छा तो हमारा गुरुकुल था पुराने जमाने का, ऋषियों मुनियों का, जहां पर बच्चों को शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को जानवरों को पालना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को अपना अनाज खुद उगाना सिखाया जाता था, जहां बच्चों को शास्त्र सिखाए जाते थे, जहां उनको मल्ल युद्ध सिखाया जाता था, जहां स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल फिजिकल सारे एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता था। आज कुछ एस्पेक्ट नहीं बचा। आपका बच्चा एग्जाम में क्या नंबर लाया और मेरा बच्चा क्या नंबर लाया, ये इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता। मेरी कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, यदि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा हम कभी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे, हम औसत क्लर्कों का देश बन के रह जाएंगे। हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए काम करेंगे और पूरी दुनिया हमको नौकर बना के रख लेगी, जो एंटरप्रेन्योर्स का देश था वो नौकरों का देश हो जाएगा। यदि आप मेरी बात से सहमत है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को स्क्रैप करके प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिसमें इंटेलेक्चुअल, जिसमें सोलफुल, जिसमें फिजिकल, जिसमें अपने आप से एकांत में बात करना सिखाया जाए, जिसमें खुद का शॉर्ट स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड जैसे एनालिसिस करना सिखाया जाए, जिसमें लिसनिंग पे जोर दिया जाए, जिसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल पे फोकस हो, ऐसा एजुकेशन।